नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं मौजूद हूं रीवा के एनसीसी मैदान पर। यहां पर आने के बाद ऐसा लग रहा है बचपना वापस लौट के आ गया। ये तमाम लोग मौजूद हैं, हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के लोग हैं। इन्होंने ऐसा काम किया, काम तो ये बहुत सारे करते हैं, लेकिन ऐसा काम किया है जिससे आपको शायद आप सबको अपना बचपना याद हो गया। मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, बस केवल इतनी बात बहुत संक्षेप में आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। बताइए ये कार्यक्रम करके कैसा लगा आपको? काफ़ी दिनों से ये प्रयास था कि परम्परा को आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गुरमीत सिंह मंगू जी के मार्गदर्शन में ये डिप्टी गेम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो हमारे पुराने खेल हैं और उनको आगे बढ़ाया जाए, पुराने खेलों को आगे बढ़ाया जाए, बचपने को वापस लौटाया जाए। बताइए। आज भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बताइए। बस बचपना याद आ गया। और ये आप भी खेले, आप भी खेले कि जो हमने खेला भी है, क्योंकि मैं वैसे हूँ तो सीनियर सिटीजन और गेम को, क्योंकि मैं चाहता हूँ पुराने गेम फिर से आए, इसलिए मैंने इन गेमों को मैंने फिर से प्रोत्साहन मिले और लोग खेलें, इसलिए मैंने खुद भी गेम खेल के उद्घाटन किया है। मुझे तो मेरा बचपना याद आ रहा है और बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मंगू जी को। बोलो, अंदर चलना तो अंदर चल जाना। अब घर में जो पुराने कपड़े होते थे, बिल्कुल बचपने में जैसे हम लोग किए करते थे, बचपने को याद करने का एक ये अनूठा प्रयास है। बताइए। ये हिंदू उत्सव धर्म परिवार का जो आयोजन है, इसके लिए मैं उनको बधाई तो देता ही हूँ। और जो पुराने खेलों की ये श्रृंखला चालू हुई है, अब इसको अनुरोध चालू ही रखा जाएगा। तैराकी प्रतियोगिता और गुल्ली डंडा, ये सभी खेल भी हम लोग आगे देंगे। आप भी खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे। हिंदू समेत धर्म परिवार के अध्यक्ष और संरक्षकों को बधाई देता हूँ कि आज जब दुनिया क्रिकेट के पीछे दीवानी है, उसमें बचपनों का और ग्रामीण जो बघेलखंड की एक खेल कूद प्रतियोगिता थी, उसको इन्होंने अपने बैनर तले करवा कर बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा। उनका प्रयास है, जब से अध्यक्ष बने हमारे भैया ने कहा कि पूरी टीम के साथ बढ़ चढ़ के पुराने जो भी खेल खेले जाएंगे उनकी तैयारी करके और शहर में वातावरण बनाना है, शहर में वातावरण बनाना है, पुराने खेलों को लगातार याद करना है। जैसा कि आप बहुत दिन से खेल से तो आप कभी नहीं जुड़े रहे, लेकिन आप खेल को करवाने में जरूर जुड़े रहे, तो ये एक अनूठा प्रयास। जावेद भाई, मैं बचपन में भी खेला करता था, ये गिप्पी गेम, लुका छिपी, गुल्ली डंडा और बंटी कंचा, ये सब खेलता था। ऐसा नहीं है, अभी भी हम हिंदू समिति धर्म परिवार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नवीन रूप देकर, जो आपको मालूम है कि शहर में कितने नए प्रोग्राम दिए, ये तो आपके बगैर कहे ही मैंने कह दिया था कि बहुत सारे खेल आपने कराए। और ये जो गुल्ली डंडा या ये आज गिट्टी गेम हो रहा है, ये एक अच्छी परिकल्पना हमारे आए थे और जिसको हमने बोल दिया और उसको और अब तो आगे बढ़ाने का भी काम। आज हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे युवा पीढ़ी इंटरनेट और मोबाइल की चकाचौंध में व्यस्त है और शारीरिक और मानसिक विकास के उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में ये बिना कास्ट का गेम है, घर से आप कपड़े निकाले गिप्पी गेंद बना सकते हैं, गिप्पी आपको मिली जाती है, तो अपने गली मोहल्ले छत में ये खेल सकते हैं बिना कास्ट का गेम। और ऐसे में युवा पीढ़ी का शारीरिक और मानसिक विकास हो और वेब दुनिया और इंटरनेट और युवा मतलब मोबाइल से चकाचौंध से दूर रहें ताकि उनका मानसिक विकास हो, इंटरनेट से दूर रहें, अब बौद्धिक विकास हो, पुरानी परंपराओं की ओर हम लौटें। मेरा सवाल आपसे सीधा सा सवाल ये है, आप राजनीति से जुड़े रहे, खेल से तो आप कभी नहीं जुड़े रहे, लेकिन आपने ये जो प्रयास किया है, यहाँ तमाम लोगों का बचपना लौटाया, उसके लिए तो पहले हालांकि बधाई नहीं देनी चाहिए, फिर भी मैं आपको बधाई देता हूँ, ये दिमाग में आपके क्यों आई बात? जावेद भाई, मैं खेल से जुड़ा रहा हूँ, तीन चीज़ें बड़ी साहित्यिक हैं, पुराने बुजुर्ग घर का बुजुर्ग है, सबको आशीर्वाद, पुराना खाना,
पुराना खाना कहते हैं ना, कभी भी हम लोग को हमारे घर की माँ दादी लोग बोलते हैं जो पुराना खाना खाया है, देसी घी खाया, डालडा खाया, वो 70 साल 80 साल जीता है। लेकिन आज ये चाउमीन की दुनिया और बर्गर की दुनिया में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई। पुराना खाना, पुराना खेल, अगर ये जीवित है तो आदमी स्वस्थ और सुंदर और घर का खाना बुजुर्ग जिसको लोग आज वृद्धा आश्रम भेजने का प्रयास करते हैं, मैं इन तीनों चीज़ों को क्लब कर रहा हूँ। NCC मैदान में वो नज़ारा जो शायद NCC मैदान ने आज से करीबन 30-40 साल पहले देखा होगा, एक बार यहाँ पर वो नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर महिला दल भी मौजूद है जो यहाँ पर गिप्पी खेली। अब आपको गिप्पी गेम आपके दिमाग में कैसे सूझी? देखिए, गिप्पी गेम मतलब हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। कबड्डी से पहले हमने गिप्पी गेंद ही खेली है, तो जैसे इस गेम के बारे में पता चला तो लगा कि इस गेम को भी देखना चाहिए और इस गेम को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। कबड्डी के पहले हमने गिप्पी गेंद ही खेली थी। इसके अलावा और कौन कौन से खेल आपने खेले थे? जी, मैंने बचपन की बात करिए। जी बिल्कुल, बचपन में बोलते हैं ना सितो गेंद फेंक, वो हमारा कांदा फोड़ बोलते हैं उसको, कांदा फोड़ और डास बॉल, इस टाइप की गेम खेले हैं। और अभी और चाहते हैं कि और जितने पुराने नए नए गेम हो अच्छे खेलना चाहिए। बेटा, आपने कभी गिप्पी गेंद के बारे में सुना था? यस। खेला भी था? यस। खेला नहीं था? बताइए, बचपने में आपने कौन से खेल खेले? केवल बचपने की बात करिए, बचपना याद। बचपन में जैसे कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, वैसे ही ये गेम खेलते, हाँ ये भी खेलते थे गिप्पी गेम। पूरे लॉकडाउन में हमने यही खेला है। आपकी मैम ने जितने खेल के नाम लिए, जितने खेल के ना, खेल कभी सुना था? यस सर, हम खेले भी है। खेले भी है? कौन कौन से खेल खेले आपने? हमने गड़ा गेम खेला है, गिप्पी गेम, कबड्डी, खो खो, सब सारी गेम हमने खेले हैं। यहाँ पर ये तमाम टीम ये कह रही है जिन्हें अपना बचपना याद आ रहा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये यहाँ पर आने के बाद बचपना याद आ रहा, मुझे भी अपना बचपना याद आ रहा। ये तमाम जो महिला दल आपके सामने मौजूद था, ये कबड्डी के बड़े खिलाड़ी हैं सब। खेल के मैदान पर बात केवल खेल की। मेरा एक आपसे ये सवाल है, जैसे अभी लखन भाई ने यहाँ पर बात की और भी पुराने खेल, तो क्या ये माना जाए कि निकट भविष्य में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी? हिंदू धर्म परिवार मुझे एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को नए तरीके से करने का मेरा प्रयास होगा। आदरणीय बुजुर्ग नारायण डिगवानी जी, लखन भैया विष्णोई जी, सबके मार्गदर्शन, सबके आशीर्वाद। बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर रस्सा खींच प्रतियोगिता होगी, बंटी प्रतियोगिता होगी, गुल्ली डंडा प्रतियोगिता होगी, यह सब रीवा की धरती में बड़े बृहद रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत आगाज हो गया है, आप सबका सहयोग रहा, इसकी मूल देश और प्रदेश और देश तक जाएगी कि रीवा में पुरानी कल्चर, पुरानी संस्कृति, जो रीवा का प्रेम रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, उनको जोड़ते हुए पुरानी संस्कृति को हमारे पुरानी संस्कृति को बहाल करेंगे। एक बार खेल के मैदान में वो तमाम चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जो आज के परिवेश में लगभग गायब हो गई है। वो फिर चाहे कोई भी खेल रहे हो, खास तौर से बचपने में जो खेला करते थे, चाहे गिल्ली डंडा हो, बंटी हो, या इस तरीके के और भी जो खेल हो, मैं अपनी ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, न्यूज़ नेटवर्क की टीम की ओर से इस हिंदू उत्सव समिति को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में हालांकि आज की नौजवान पीढ़ी ने तो वो चीज़ देखी ही नहीं थी, उसको दिखाने का काम किया। हालांकि हम लोगों ने भी उसको खेला था, अपना बचपना याद करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी इनकी दूसरी प्रतियोगिताएं होंगी एक बार फिर से वहां पर पहुंचूंगा और वो तमाम चीज़ें लाइव लेके आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी।